हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधिका। सोनू के चीटू की स्वीटी करते ही कार्तिक आर्यन की मानो किस्मत से बदल गई है। 100 करोड़ी फिल्म देते ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स कार्तिक के साथ काम करना चाहते हैं। हाल ही में खबरें आई हैं कि करण जौहर ने कार्तिक को अपनी नई बिग बजट फिल्म के लिए साइन कर लिया है, जिसमें वो करीना कपूर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम करने वाले हैं। लेकिन लगता है कार्तिक की किस्मत में करण जौहर के साथ काम करना लिखा ही नहीं है। तभी तो एक गलती की वजह से कार्तिक को इस बड़ी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीआर टीम की एक गलती की वजह से उनके हाथ से ये बिग बजट फिल्म निकल गई है। दरअसल प्रोडक्शन हाउस ने इस फिल्म के लिए कार्तिक के नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी और ना ही अभी तक कार्तिक ने इस फिल्म को साइन किया था। फिर भी उनकी पीआर टीम ने इस खबर को कंफर्म कर दिया, जो बात करण जौहर को पसंद नहीं आई और उन्होंने कार्तिक को इस फिल्म से कर दिया आउट। बताया जा रहा है कि कार्तिक की जगह अब इस फिल्म के लिए करण जौहर ने दिलजीत दोसांझ को साइन किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के जरिए करीना कपूर और अक्षय भी सालों बाद एक साथ काम करने वाले हैं। पर अब जो भी हो, कहना गलत नहीं होगा कि कार्तिक की एक गलती की वजह से उनके हाथ से इतनी बड़ी फिल्म निकल गई है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।